फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं ऑर्चिड फोर्ड शोरूम NH58 परतापुर बाईपास मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। चश्मे का फ्रेम दो आंखों का ही है, लेकिन अब एक आंख से देखने वालों का सारा नजरिया जातिगत हो गया है। बात तनिष्क के विज्ञापन की हो या फिर नीट के टॉपर शोएब की, सभी जगह सभी खूबियों को दरकिनार कर जातिवादी चश्मा हावी है। तनिष्क के विज्ञापन के बाद जो नया विवाद बना है वह है नीट में शोएब को टॉपर घोषित करना। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हम ये जानें कि आखिर 720 अंक मिलने के बाद शोएब को क्यों टॉपर घोषित किया गया और आकांक्षा को क्यों नहीं। नीट परीक्षा का रिजल्ट आते ही इसे लेकर एक वर्ग विशेष में खासी बहस छिड़ गई है। दरअसल शोएब आफ्ताब को इस परीक्षा में 720 में से 720 अंक मिले हैं। इसके साथ ही आकांक्षा को भी 720 में से ही 700 अंक प्राप्त हुए हैं। शोएब उड़ीसा के काउरकेला के रहने वाले हैं। पिता का अपना बिजनेस है। शोएब बचपन से डॉक्टर बनना चाहते थे, लिहाजा तैयारी के लिए पहुंच गए कोटा। वहां दिन रात एक किया और नतीजा सभी के सामने है। तभी शोएब का यह भी कहना है कि उनके परिवार में कोई डॉक्टर नहीं है, परिवार ने सपोर्ट किया तो उन्होंने ये परीक्षा टॉप कर दी। कुछ कुछ ऐसा ही कहना है आकांक्षा का भी। आकांक्षा के पिता दिल्ली में उनके साथ ही रहते हैं ताकि वह पढ़ाई पूरी कर सके, नीट की तैयारी भी कर सके और डॉक्टर भी बन सके। अब हम आपको बताते हैं कि दोनों के अंक 720 होने के बावजूद शोएब टॉपर क्यों घोषित हो गए। इस सवाल को जानने के लिए पहले नीट रिजल्ट प्रणाली को समझना होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA की टाई ब्रेकर नीति की मदद से इसका निर्धारण किया जाता है। अगर दो बच्चों के एक जैसे अंक होते हैं तो पहले उस छात्र को वरीयता मिलती है जिसके बायोलॉजी में अधिक अंक होते हैं। लेकिन यदि बायोलॉजी में भी एक जैसे अंक हों तो फिर केमिस्ट्री में अधिक अंक वाले को वरीयता दी जाती है। इसके बाद भी यदि टाई की स्थिति बने तो यह देखा जाता है कि किसने कम गलत सवाल किए हैं, और यदि आखिर में यहां भी मामला फंस जाता है तो उसे रैंकिंग में वरीयता दी जाती है। शोएब व आकांक्षा का मामला भी कुछ ऐसा ही रहा। हर पैमाने पर एक जैसे ही दोनों साबित हुए, जिसके बाद उम्र वाले फैक्टर के चलते शोएब टॉपर घोषित कर दिए गए। इससे पहले भी कई मर्तबा ऐसा हुआ है जब दो छात्रों के अंक बराबर रहे और वरीयता में भी रहकर वे बराबर पायदान पर खड़े थे। इस नीति को तेलंगाना के तुमल्ला स्निग्धा, राजस्थान के विनीत शर्मा, हरियाणा के अमृषा खेतान, आंध्र की गुत्थी चैतन्य सिद्धू भी इसी नीति के तहत टॉपर घोषित किए गए थे। इनको 720 में से 715 नंबर मिले थे और टाई ब्रेकर के चलते क्रमशः तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी रैंक दी गई थी। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।